हालांकि सरकार ने आधार कार्ड पर जारी नई एडवाइजरी वापस ले ली है, लेकिन सरकार की एडवाइजरी में मास्क्ड आधार कार्ड का जिक्र किया गया था। आखिर आधार कार्ड होल्डर अपने मास्क्ड आधार कार्ड को ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ पांडे। यदि आप अपने आधार का जेरोक्स या आधार कार्ड किसी व्यक्ति या किसी संस्थान को किसी काम के लिए देते हैं, तो आप जो है अब उसे मास्क वाला आधार कार्ड दे सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि ये आधार कार्ड जो है कैसे दिखता है और इसे आप कैसे पा सकते हैं। सबसे पहले आपको बस पहुंचना है आधार कार्ड की वेबसाइट पर, और वेबसाइट पर पहुंचते ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर आपको ये वेबसाइट दिखती है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना है। जैसे ही आप उस फॉन्ट पर क्लिक करते हैं, तो वहाँ पर क्लिक करते ही आपको एक ये आधार का पेज दिखेगा, जहाँ पर बेसिकली आपको अपने आधार नंबर या एनरोलमेंट आईडी या वर्चुअल आईडी नंबर डालने होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम अपना आधार कार्ड नंबर डाल रहे हैं, उसके बाद आपको इसका एक कैप्चा डालना होता है और आपको जो है ये ओटीपी क्लिक करनी होती है। उसके बाद जो गौर करने वाली चीज़ होती है वो ये है कि यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ गया है आपके लिए, जहाँ पर आपको दिखेगा डू यू वॉन्ट अ मास्क आधार। तो बस आपको उसी पर क्लिक करना है और अपने मोबाइल पे दिए गए ओटीपी को क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ पर ओटीपी डालते हैं, तो आपका जो है आधार कार्ड आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो आधार कार्ड है वो आ गया है। और यहाँ पर जो एक नई चीज़ दिखाई दे रही है वो है आधार कार्ड के डेटा के बाद आपके जो नंबर होते हैं, जो पहले पूरे 12 डिजिट आते थे, वो अब क्रॉस में आने लगे और जो आखिरी के 4 अंक होते हैं वो दिखने लगे हैं। तो ये जो है एक नए तरीके का जो है सर्विस जो है सरकार की तरफ से जो है वो दी गई है आधार कार्ड को लेकर, ताकि आपके डेटा के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ ना हो सके और आपका डेटा जो है सरकार के साथ सुरक्षित रह सके। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट राजेश दलवी के साथ सौरभ पांडे, जी मीडिया।